उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन हांडी, और इसको हम तैयार करेंगे मट्टी की हांडी में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और मट्टी की हांडी में तो सालन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किए, और 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया। इसके अंदर हमने 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई वो ऐड कर दी, और जैसे ही अब प्याज जो सी है वो थोड़ी सी ब्राउन होना स्टार्ट होगी, हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मट्टी की हांडी में तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की जो है ना सालन वगैरह तैयार होते हैं, कुछ भी आप पकाएं इसके अंदर, लेकिन इसका एक अलग से टेस्ट होता है। तो अगर आपके पास भी है मट्टी की हांडी तो आप इसी में तैयार किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब यहाँ पर जी प्याज जो से है वो उसका कलर चेंज हो रहा है, फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दिया, अब हम इसको थोड़ी देर भुनाई करेंगे, और इसके अंदर होममेड जो मसाले, तो मसालों में हमने यहाँ पर ले लिया है जी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हांडी को हम मज़ीद थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हांडी मसाला, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब यहाँ पर हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी बुनाई करेंगे, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे। ग्रेवी अच्छे से तैयार कर ली, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, हम इसके अंदर चिकन ऐड करते जाएंगे और साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे। हाफ के जी मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, चिकन हमने ऐड कर लिया, और अब हम चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, और काफ़ी तकरीबन 1/2 घंटे तक मैं इसकी भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आपने चिकन जो है वो बहुत अच्छे से भुनना है ग्रेवी के साथ, इसकी भुनाई होगी। आप कलर दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इसका, और हांडी के अंदर तो, मट्टी की हांडी के अंदर तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो आप जब भी मटन, चिकन या बीफ तैयार करें तो आप मट्टी की हांडी में ही बनाया करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर चिकन की जो मैंने बुनाई की है वो बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पर की है, हाई फ्लेम पर मैंने इसकी बुनाई नहीं की। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर जी यखनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चिकन की यखनी ही पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसके अंदर 1 गिलास के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन जब तक इसके अंदर से ये पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके साथ चिकन अच्छे से गल जाए, इसको 15 से 20 मिनट रखेंगे।
तो जी फ्रेंड, यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन हांडी जो सी हमारे पास रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो सा टेस्ट था, क्योंकि ये हमने मिट्टी की हांडी में बनाई है, तो मिट्टी की हांडी का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और अगर चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मेरी इस रेसिपी को आप इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।